आज जो हम स्टडी करेंगे, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, 7 days और 1 week और 7 years, आप कैसे बोले, लेकिन वो लास्ट 1 week की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए डेनियल ने 70 weeks बताया था, 62 weeks, 7 weeks प्लस 62 weeks प्लस 1 week, ऐसा करके 70 weeks होते हैं। तो हम लास्ट की स्टडी कर रहे हैं, उसमें से लास्ट में से 2 भाग होते हैं, राइट। पहला भाग है 3.5 साल का और दूसरा भाग है 3.5 साल का। तो पहले 3.5 साल के लिए हमने पढ़ा, हमने स्टडी किया लास्ट टाइम पे, कि उसमें क्या होने वाला है, कि 2 विटनेस हैं, वो परमेश्वर की तरफ से आएंगे, उनको पावर दिया जाएगा और उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनके पास बहुत ही पावर होगा, इतना पावर होगा कि वो चाहे तो बारिश बंद कर सकते हैं, पानी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो यरूशलेम से सब करेंगे और लोग उसको मारना चाहेंगे फिर भी मार नहीं सकेंगे। लेकिन उसके बाद एंटी क्राइस्ट आएगा और एंटी क्राइस्ट आके उनको मार डालेगा, और उनको मार डालेगा तब सब लोग क्या बोलेंगे, कि एंटी क्राइस्ट जैसा कौन है, कौन उसके सामने टिक सकता है, कोई भी नहीं, जैसे उसने 2 विटनेसों को मार डाला। और फिर वो यरूशलेम के मंदिर में अपना स्थान जमाएगा, राइट। और 3 दिन के बाद, 3.5 दिन के बाद वो 2 विटनेस जिंदा होंगे और प्रभु के पास वापस चले जाएंगे। तो आज हमें देखने वाले हैं कि जो पिछले 3.5 साल हैं, जो एंड दिस सेकंड पार्ट ऑफ 7 ईयर्स, उसमें क्या होने वाला है। आप सबको मालूम है, बहुत सी चीज़ें आप सबको मालूम है। तो आई थिंक ये हम बहुत तेज़ी से हम पूरा कर सकेंगे, राइट। तो इसे समझने के लिए हम पहले शुरू करेंगे रेवलेशन चैप्टर 13 में से शुरू करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 13 और पहली 8 कलम, कोई पढ़ेंगे? रेबेका सिस्टर पढ़ना है रेवलेशन 13:1-8। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंहों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के थे और मुंह सींह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इस उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, तो जो ये जो दूसरा 3.5 साल का जो जो पार्ट है, उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहली बात हम देखते हैं कि बात आती है ये एंटी क्राइस्ट की, जो जो बीस्ट है, राइट, जिसको लिए बीस्ट लिखा है अंग्रेजी में, जिसके लिए हिंदी में हमने पशु पढ़ा, और गुजराती में जिसके लिए श्वापद लिखा गया है, राइट। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो कहता है दरिया के किनारे खड़ा है, राइट, दरिया के किनारे पे खड़ा है।
लेकिन उसके लिए जो लिखा गया है, अगर आप पढ़ते हैं कि उसके सर के ऊपर 10 हॉर्न थे, हॉर्न मतलब है सींग थे, राइट, 10, और उसके ऊपर 10 क्राउन थे, उसके ऊपर ब्लास्फेमीज के नाम लिखे गए थे, राइट, और उसका वर्णन किया गया है कि वो लेपर्ड के जैसा था, मतलब चीते के समान था, राइट, और उसके पांव कैसे थे, वो रीच रीच या बैर के समान थे, और उसका मुंह था वो लायन सिंह की तरफ था, राइट। उससे पावर किसने दिया, जो ड्रैगन जो अजगर लिखा गया है, वो यहां पर क्या है कि ये जो है अजगर है वो शैतान की बात है, उसको उसको अथॉरिटी दिया गया है। हमने मैंने हमने लास्ट टाइम देखा था कि लोग क्यों ऐसा कहेंगे कि इसके जैसा कौन है, कौन इसके सामने टिक सकता है, क्योंकि वो ऐसा पावरफुल है कि उस वो परमेश्वर के दो विटनेस हैं जो पहले 3.5 साल में दिखे, हमने देखा था, उन लोग को वो मार सकता है, राइट। फिर उसे अधिकार दिया जाता है सभी 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 बातों के ऊपर, सभी टंग्स के ऊपर, सभी ट्राइब्स के ऊपर उसे शैतान अधिकार देता है, राइट। तो इसके लिए और भी लिखा गया है जो एंटी क्राइस्ट के लिए, ये डैनियल के पुस्तक के अंदर, डैनियल चैप्टर 8 और उसके 23, 24, 25, 26, 27 को भी पढ़ना। तो ये डैनियल चैप्टर 8 23 से 27, वो क्योंकि हम दो तीन जगह से हमें जाएंगे, हम देखेंगे डैनियल में और रिवेलेशन के चैप्टर 13 और 17, क्योंकि ये चीज समझने के लिए हमें हमें दूसरी जगह पे से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डैनियल चैप्टर 18, सॉरी चैप्टर 8, और मैंने जो बताया वो आप पढ़ो। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहले पूजने वाला एक राजा उठेगा। उसका सामर्थ बड़ा होगा परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा, और वह सब हाकिमों से हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। अच्छा, तो रेवल्यूशन चैप्टर 13 के साथ डेनियल चैप्टर 8 के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी चीज लिखी है वो वर्स 25 में। वहां क्या लिखा है, जो एंटी क्राइस्ट है वो ही शैल इवन राइज अगेंस्ट प्रिंस ऑफ पीस। प्रिंस ऑफ पीस मतलब है परमेश्वर प्रभु यीशु के खिलाफ वो खड़ा होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके उसका एंड कैसे होगा वहां लिखा है। क्या लिखा है, किसी मनुष्य के हाथ, मनुष्य के द्वारा नहीं, राइट। कैसा लिखा है हिंदी में, कैसे वो मारा जाएगा, विदाउट ह्यूमन मीन्स, हाँ, विदाउट, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, बट ही शैल बी ब्रोकन विदाउट ह्यूमन मीन्स, कोई आदमी नहीं, लेकिन वो मारा जाएगा किसी आदमी से नहीं, लेकिन तो वो मतलब अगर आदमी नहीं मार सकता है तो कौन मारेगा उसे, प्रभु ही मार डालेंगे, राइट, और प्रभु उसे खत्म कर डालेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा वो पहला कौन है, पहला पहला बेस्ट है। और दूसरी बात अगर हम पढ़ते हैं तो रेवलेशन चैप्टर 13 उसके अंदर 11 से लेके 18 तक कोई पढ़ना, राइट, 11 से लेकर 18 तक पढ़ना, 13, 11 to 18, राइट। राइट और फिर मैंने ए और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के थे 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था।
और उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु को जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था और वे बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उनमें उन्हें मरवा डालें और उसमें छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्रदार सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अच्छा, तो यहाँ 13 जो रेवलेशन 13 में जो कि हमें जो 3.5 साल की बात बता रहा है पिछले, उसमें दो बिस्ट या दो श्वापद की बात आ रही है, राइट। पहला है जो दरिया के किनारे खड़ा है और दूसरा है वो कहाँ से आता है, जमीन के अंदर से बाहर आता है, राइट। तो जो पहला जो बिस्ट है, पहला श्वापद है, वो एंटी क्राइस्ट है, राइट। और दूसरा जो बिस्ट है जो जमीन के अंदर से आता है वो फॉल्स प्रॉफिट है, राइट। तो मैंने शायद पहले बताया था कि ये जो डेविल है वो हमेशा परमेश्वर की नकल करने की कोशिश करता है। तो हमारे यहाँ पहले होली ट्रिनिटी है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, राइट। तो उसी तरह से डेविल ने भी अनहोली ट्रिनिटी बनाई है जो खुद को, क्योंकि उसने क्या बोला था, मुझे परमेश्वर का राज्य से मैं ले लूंगा, तो वो अपने को गॉड द फादर के अगेंस्ट में बता रहा है, राइट। और जो एंटी क्राइस्ट हम बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, एंटी क्राइस्ट, तो वो किसकी नकल कर रहा है, प्रभु यीशु की नकल कर रहा है, राइट। और फिर तीसरा जो है फॉल्स प्रॉफिट, वो किसकी नकल कर रहा है, होली स्पिरिट की नकल कर रहा है, राइट। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा 11 से 18 कलम में, उसमें लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है कि फैटल वुंड जो पहला जो श्वापद था अथवा तो जो एंटी क्राइस्ट था उसको बहुत ही मरण तोल, जिससे मर जाए ऐसा ऐसा घाव हुआ था, लेकिन वो हील हो गया, राइट। हमें मालूम है कि एंटी क्राइस्ट किसकी नकल कर रहा है, प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु पहले उनको भी मारा गया था, उनको भी घाव लगा था, राइट, बिल्कुल उनके हाथ के ऊपर, इनके सर के ऊपर, इनके बाजू में भाला मारा गया था और प्रभु जी मर गए थे, प्रभु यीशु मर गए थे, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा उठे। तो यहां क्या लिखा है, उसका जो घाव था वो यहां एंटी क्राइस्ट का घाव हील हो गया है। तो वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, मेरा भी रिजरेक्शन हुआ है, राइट। वो भी नकल करेगा। तो कई प्रभु के स्कॉलर्स जो मानते हैं कि ये जो फैटल वुंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है एंटी क्राइस्ट का एसेसिनेशन का ट्राई होगा, उसको मार डालने की कोई कोशिश करेगा और सब मानेंगे कि वो मर गया है, लेकिन वो वापस आएगा अच्छा हो जाने के बाद, वो मरा नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड क्या करेगा, क्योंकि वो झूठा है, वो क्या बोलेगा, मैं मुर्दों में से वापस आया हूं, और इसीलिए वो मंदिर में जाके और सब लोग, और फिर वो एंटीक्राइस्ट को, वो दो विटनेस को भी मार रहा है, तो फिर सब लोग उसके ऊपर, उसके पीछे चलना का शुरू हो जाएंगे, राइट। तो हम अभी ये जो एंटीक्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट के लिए समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जो लिखा गया है वो समझेंगे। सबसे पहली बात कि जो पहला जो एंटीक्राइस्ट है और पहला जो बिस्ट है, श्वापद है, जिसके लिए हमने पढ़ा अभी, वो जो पहला था वो कहाँ खड़ा है,
दरिया के किनारे रेती पे खड़ा है, राइट, समुद्र के किनारे। बाइबल में समुद्र किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट, समुद्र किसको रिप्रेजेंट करता है कि समुद्र वो दुनिया की जो वर्ल्ड है, जो 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 वर्ल्ड, जो जगत में हम जी रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। और उसको क्या बोलते हैं, उसे 10, उसके लिए हमने क्या पढ़ा, उसके ऊपर 10 हॉर्न्स थे, राइट, यस 10 हॉर्न्स थे, राइट, और हैविंग 7 हेड्स एंड 10 हॉर्न्स। तो ये जो जो हॉर्न्स हैं वो हॉर्न से वो या तो अलग अलग प्रभु के सेवक अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन सब एक चीज पे तो एग्री है कि ये एंटी क्राइस्ट है। और उसे या तो 10 क्या बोलते हैं, 10 किंगडम हो गए, 10 किंग हो गए, या 10 पावर, 10 किंगडम हो गए जो उसे पावर देंगे, राइट। अच्छा, और उसे वो क्या करेगा कि रेवेलेशन 13:4 में हमने क्या पढ़ा कि वो शैतान की उसकी लोग पूजा करेंगे। क्यों पूजा करेंगे? क्योंकि उसे पावर कौन देगा? शैतान अजगर जो है वो उसे पावर देगा, और वो पावर की वजह से सब लोग उससे डरेंगे और उसकी सब लोग पूजा करना शुरू कर देंगे, राइट। रेवलेशन 16:13 पढ़ो, राइट। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्य दुष्टा के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। राइट तो ये तीनों के मुंह में से अशुद्ध आत्मा निकलती हैं, उनके पास पावर है। और रेवलेशन 12:9 भी पढ़ो, पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अच्छा। तो ये अभी 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 मैंने शायद पहले बताया था कि अभी राइट नाउ दे हैव एक्सेस इन हेवन, राइट। डेविल हैज एक्सेस इन इन स्काई, लेकिन रेवलेशन 12 के हिसाब से उसको कहाँ गिरा जाएगा, दिया जाएगा, वो यहाँ पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया जाएगा। और वो है रेवलेशन 13 के अंदर, वो अजगर पृथ्वी पर है और वो ये श्वापद को वो क्या करेगा, अपना पावर देगा, अपना जो कुछ उसके पास है वो देने की कोशिश करेगा। अच्छा, अभी ये समझो कि जो 10 10 क्राउन की बात हमने पढ़ी, तो प्रभु के सेवक क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि वो जो 10 क्राउन्स है और 10 हॉर्न है वो सेल्फ इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, कोई तरीके की वो गवर्नमेंट है जो एंटी क्राइस्ट को पावर देगी। कोई 10 गवर्नमेंट होगी जो ओके ओके तो ये जो 10 है वो या तो 10 किंगडम है, 10 गवर्नमेंट है, और उनके कोई लीडर होंगे या तो 10 पावरफुल लीडर होंगे, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी अथॉरिटी जो वर्ल्डली अथॉरिटी है वो किसे देंगे, वो एंटी क्राइस्ट को देंगे, राइट, वो एंटी क्राइस्ट को देंगे। इसीलिए ये दिखाया गया है कि एंटी क्राइस्ट के ऊपर उसे 7 10 क्राउन है,
क्योंकि जो बीस्ट के लिए हमने पढ़ा उस 10 क्राउन है, वो बताता है कि ये जो 10 गवर्नमेंट होगी वो उसको अपना पावर देने वाली है, राइट? अच्छा, उसके ऊपर वहां हमने और भी क्या पढ़ा कि उसके ऊपर क्या लिखा गया था, ब्लास्फेमस नेम लिखे गए थे, राइट? हमने पढ़ा ना जो एंटी क्राइस्ट के लिए क्या पढ़ा हमने, उसके लिए क्या लिखा गया था उसके ऊपर, इसके लिए क्या हमने देखिए देखते हैं, राइट राइट उस एनी ऊपर ईश्वर निंदक नामो आपने गुजराती में कहे छे ए लखवामां आवेला था, राइट? हवे ए ईश्वर निंदक ना जो जो ब्लास्फेमी है वो कैसे होती है, वो 3 तरीके से होती है। सबसे पहले दे विल क्लेम, और वो क्लेम क्या करेगा, मैं परमेश्वर हूं, क्योंकि वो मैं परमेश्वर हूं, वो ब्लास्फेमी है, राइट? उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। प्रभु यीशु को क्यों सूली पे चढ़ा रहे थे, क्योंकि प्रभु वो लोग क्या बोलते हैं, इसने प्रभु यीशु ने ईश्वर होने का दावा किया है, राइट? वो ब्लास्फेमी मानते थे। तो ये जो एंटी क्राइस्ट है वो भी क्या करेगा, वो कैसे क्लेम करेगा, ब्लास्फेमी कैसे करेगा, ही विल क्लेम दैट आई एम गॉड, राइट? और वो परमेश्वर को हटा के अपने अपनी खुद को स्थापन करने की बात करेगा। इसके लिए कैसे हम देख सकते हैं कि 2 थिस्सलुनीका 2:4 पढ़ो, 2 थिस्सलुनीका 2:4 और फिर उसके बाद Daniel 7:8 पढ़ना। जो विरोध करता है और हर एक जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा कहलाता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। अच्छा, और Daniel 7:8 मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों ने में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि उस एक सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा जोर बोलने वाला मुंह भी है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं वो कैसे करेगा। हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करेगा, राइट? तो परमेश्वर मंदिर के हिसाब से परमेश्वर कहां पर है, परम पवित्र स्थान में, राइट? होली ऑफ होली में क्या होता है, आर्क ऑफ कवेनेंट रहता है, राइट? वहां परमेश्वर की हाजिरी होती है। तो जो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, वो आर्क ऑफ कवेनेंट की और वो जगह पे अपने आप को स्थापित करेगा। वो बोलेगा मैं जो मुर्दों में से जिंदा हुआ हूं, मैंने 2 विटनेसों को मार डाला है, मैं पावरफुल हूं, और वाकई वो बहुत ही पावरफुल होगा और वो मंदिर में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेगा, राइट? सो वो कैसे ब्लास्फेमी करता है, पहले वो परमेश्वर होने का दावा करेगा और उसके बाद वो परमेश्वर की जगह खुद को स्थापित करेगा, और तीसरा क्या करेगा, वो जो सच्चा देव है परमेश्वर है उसकी वो निंदा करेगा। और अगर आपको देखना है तो Revelation 13:6, Daniel 11:36-37 और Daniel 7:25 वहां लिखा गया है वो परमेश्वर की निंदा करेगा, राइट? अच्छा, अब ये समझते उसके लिए लिखा गया है जो एंटी क्राइस्ट है और फर्स्ट बीस्ट जिसे बोलते हैं, पहला जो श्वापद है, इसके लिए क्या लिखा गया है, वो कैसा है, ही इज लाइक अ लेपर्ड, चीते के समान है, और बेयर रीच के समान है, और लायन के समान है, बराबर? तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट? उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसे समझने के लिए हमें डेनियल में जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे Daniel 7 में जाएंगे, राइट? सो Daniel 7 में
वर्स 4 को पढ़ना। चार फोर पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के थे और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर पहुंचे गए और मैं भूमि पर से उठाकर मनुष्य के दाएं पांवों के बल के खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। अच्छा, तो जो पहला जो पहली बात है उसका वो लायन जैसा है, ऐसा लिखा है, राइट? उसका मुंह लायन जैसा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बेबीलोन, राइट? किंगडम ऑफ बेबीलोन, नबूकदनेस्सर का किंगडम ऑफ बेबीलोन। और पांचवी कलम पढ़ो, डेनियल 7:5। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसूली थी और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। हाँ, तो जो पहले हमने लायन का देखा, दूसरा हम देखता है रीच के समान, बेयर के देखते हैं, तो जो बेयर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो मिडो पर्शिया रीजन करता है, राइट? मिडो पर्शियन जो किंगडम था उसे रिप्रेजेंट करता है, राइट? और तीसरा जो है, हमने लेपर्ड चीते की बात पढ़ी, वो कहाँ पर है? छठी कलम में, राइट? देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। अच्छा, तो हम देखते हैं कि जो जॉन देख रहा है रेवलेशन 13 में, जो एंटी क्राइस्ट का स्क्रिप्चर वर्णन देख रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन देख रहा है, वो हमें कहाँ मिलता है? डैनियल के अंदर। तो ये कहने के मतलब क्या है कि बेबीलोन का सबसे पावरफुल था, राइट? उसके बाद मीडो पर्शिया का राज्य आया था जो बेयर है, और उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रीक एम्पायर, ग्रीक एम्पायर आया था, राइट? और उसके बाद रोमन आया था, राइट? तो वो सभी में जितनी ताकत है, वो सभी की ताकत ये एंटी क्राइस्ट के अंदर है। आप समझ रहे कि नहीं? उन तीनों तीनों किंगडम की जितनी पावर है वो कंबाइंड पावर ये एंटी क्राइस्ट के अंदर होगी। अब बेबीलोन के सामने कोई टिक नहीं सकेगा, टिक नहीं सका था, मिडो पर्शियन के सामने कोई टिक नहीं सके थे, न तो अलेक्जेंडर ग्रेट ग्रीक एम्पायर के सामने कोई टिक सकता था, राइट? वो तीनों पावरफुल थे, वो तीनों की कंबाइंड पावर किसे मिलेगी? वो एंटाक्राइस्ट को मिलने वाली है। इसीलिए उसके लिए लिखा गया है कि वो कैसा दिखता है, राइट? जहान ने देखा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है डैनियल के अंदर। अच्छा, और एक चीज हमें देखते हैं, राइट? जो डैन जो 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 बेबीलोन का जो पावर, बेबीलोन का राज्य था, वो मैजेस्टिक था, आपको मालूम है, राइट? बेबीलोनियन ऑटोक्रेटिक और मैजेस्टिक पावर था उनका, और वो लायन के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो इसका मतलब यह क्या है कि ये जो एंटी क्राइस्ट का जो राज होगा वो देखने में बहुत ही मैजेस्टिक होगा, बहुत ही पावरफुल होगा। दूसरी बात जो हमने देखा बेयर और रीच के लिए, मिडो पर्शियन किंगडम के लिए देखा था, वो किसके लिए जाना जाता है मालूम है आपको? वो मिडो पर्शिया जो किंगडम था, और वो स्ट्रेंथ और ब्रूटालिटी के लिए माना जाता है। आपको मालूम है कि बेयर होता है ना, जो रीच होता है वो बहुत ही ब्रूटल होता है। तो मिडो पर्शियन जो किंगडम था वो स्ट्रेंथ, ताकत और ब्रूटालिटी में था। तो इसका मतलब यह है कि मैजेस्टी के साथ साथ ये एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होगा वो कैसा होगा? ब्रूटल होगा, बहुत ही ब्रूटल होगा और बहुत ही पावरफुल होगा।
और लास्ट में हमने क्या देखा, जो चीते का था, राइट। और चीते का था मतलब मैं क्या था, आपको मालूम है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 28 साल में शायद शुरू किया था जीतने का, और 33 साल में तो उसने सब जीत लिया था। बहुत ही स्विफ्ट था उसने, वो इसने बहुत ही कम समय में पूरा साम्राज्य एस्टेब्लिश कर दिया था। और चीता हमेशा फास्टेस्ट एनिमल होता है, राइट राइट। तो जो जो शायद जो एंटी क्राइस्ट का रो राज क्या होगा, वो उसके पास मैजेस्टी बताएगा, वो ब्रूटल होगा, बहुत ही पावरफुल होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही स्विफ्ट, बहुत तेजी वाला होगा, बहुत ही तेज होगा। ऐसा नहीं कि कोई छुप के कुछ कर सकेगा, क्योंकि इमीडिएटली वो उसे पता चल जाएगा, राइट। अच्छा, हमने और हमने हम कुछ और भी पढ़ते हैं। डेनियल, सॉरी डेनियल तो हमने देखा अभी। तो रेवलेशन 17 और 8 को पढ़ो आप। तो इसके लिए लिखेंगे कि कोई उससे, कोई भी उससे छुप नहीं सकेगा कोई, क्योंकि वो पावरफुल होगा, वो ब्रूटल होगा, वो स्विफ्ट होगा, और ऐसे वो राज करने वाला है। तो ये पहला बीस्ट, पहला श्वापद है जो कहां से आया है, कहां खड़ा है, क्यों खड़ा है, वो समुद्र के किनारे, क्यों समुद्र के किनारे खड़ा है, क्योंकि वो सबके ऊपर राज करेगा, राइट। समुद्र क्या बताता है, वर्ल्ड बताता है, जगत बताता है। अच्छा, समुदाय, राइट। अच्छा, अभी जो दूसरा बेस्ट है, दूसरा श्वापद है, दूसरा पशु है, वो जमीन में से आता है। वो मैंने पहले बताया कि वो एंड वो फॉल्स प्रॉफिट है, राइट। उसी के लिए पर प्रभु यीशु ने खुद ने बताया था, मैथ्यू 7:15 में पढ़ो। सेवन फिफ्टीन अच्छा, क्या बोलते हैं वो, कैसे कैसे आएगा, भेड़िए के वेश में आएगा, राइट, भेड़ों के। अच्छा, तो हमने जो हमने रेवलेशन में पढ़ा, रेवलेशन चैप्टर 13 में पढ़ा हमने, तो वहां हम क्या पढ़ते हैं, राइट, वो कैसा आता है। 11वीं कलम फिर से पढ़ो, रेवलेशन 13:11। अच्छा, वो कैसा था देखने में, नहीं, लैम्ब, मेमने की तरह, लैम्ब घेटा ना जेवो से गुजराती में कहे तो, राइट। फॉल्स प्रॉफिट क्या करेगा, वो कैसा दिखेगा, लैम्ब की तरह से, राइट। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि वो घेटा ना जेवो से पण ए वरु वरु जेवो से पण घेटा नो वेश लेने आवे छे, राइट। अच्छा, हवे हूँ तमने कहूँ, अगर आप, आपको पूछ, मैं पूछूं कि ट्रिनिटी में होली स्पिरिट का क्या काम है, ओके, और राइट, और
कन्विक हम प्रभु यीशु के पास कैसे आते हैं? होली स्पिरिट हमें कन्विक करता है, राइट? होली स्पिरिट हमें हमें जागरूक करता है, हमें कन्विक करता है कि बेटे जो तू कर रहा है वो गलत है, प्रभु के जीवन सौंपना चाहिए। वो हमें परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास ले आता है, राइट? अभी ये समझने की कोशिश करो, होली स्पिरिट हमें प्रभु यीशु के पास लाने में मदद करता है, राइट? और हम हमारा जीवन प्रभु यीशु को सौंप देते हैं। तो फॉल्स प्रॉफिट भी क्या करेगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट, क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। वो भी लोगों को किसके पास ले जाएगा? नहीं, अजगर के पास नहीं। मैं बोला था अजगर किसके खिलाफ है? प्रभु पिता के, राइट? और एंटी क्राइस्ट, क्योंकि होली स्पिरिट हमें प्रभु पिता के पास नहीं, होली स्पिरिट हमें प्रभु यीशु के पास ले जाता है, राइट? हमें कन्विक कराते हैं और हम बोलते हैं प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, और मैं प्रभु यीशु की क्षमा को ग्रहण करता हूं, राइट? हमें प्रभु यीशु के बलिदान के पास ले जाता है। तो जो फॉल्स प्रॉफिट हैं वो भी क्या करेगा, लोगों को वो एंटी क्राइस्ट के पास ले जाएगा। अच्छा, वो कैसे ले जाएगा, वो कैसे ले जाएगा, उसके लिए हमने देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 13 के अंदर हमने पढ़ा, राइट? और 15 से पढ़ो, एक एक करके पढ़ते हैं। यस। और उसे उस पशु के मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे और जितने लोग उस पशु के मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। अच्छा, तो ये जो कौन करता है वो फॉल्स प्रॉफिट करेगा। वो फॉल्स प्रॉफिट क्या करेगा, क्योंकि उसको पावर किसने दिया है? अजगर ने दिया है, शैतान ने दिया है। वो मूर्ति बनाएगा, और वो मूर्ति हम जो इंडिया में जानते हैं वो मूर्ति नहीं होगी। ये जो मूर्ति है ना, वो बोलेगी, वो बोलेगी, ये बोलेगी, क्या बोलेगी कि जो व्यक्ति यहां पर है वो उसने मेरी छाप नहीं लिया है और एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं लिया है। ये जो बोलता है कि लेकिन वो छुप के परमेश्वर की आराधना करता है, और उनको वो क्या करेगा, मारे, उसको मार डालेगा, राइट? वो कौन करेगा ये सब? नहीं, फॉल्स प्रॉफिट। फॉल्स प्रॉफिट लोगों ने 16 को पढ़ो आप। मूर्ति बनाया और मूर्ति बोलने लगी, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास और सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। किसने, कौन करेगा ये फोर्स? फॉल्स प्रॉफिट। तो फॉल्स प्रॉफिट क्या करेगा, लोगों को फोर्स करेगा। किसका फोर्स करेगा, क्योंकि मूर्ति किसकी होगी? एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट की मूर्ति होगी, राइट? और एंटी क्राइस्ट की मूर्ति की वो, और वह फिर से ये बहुत ही बढ़िया है, वो मूर्ति क्यों बनाता है, राइट? क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो हो रहा है वो पहले हो चुका है, और जो होने वाला है वो भी पहले हो चुका है। दानियल के अंदर नबूखादनेस्सर ने क्या बनाया था, मूर्ति बनाई थी, और क्या उसने आदेश दिया था, जो कोई उसकी भक्ति नहीं करेगा, वर्शिप नहीं करेगा, उनको क्या किया जाएगा, मार डाला जाएगा, राइट? राइट। तो वो ही चीज जो पहले, वो जो हुआ था वो ही फिर से होने वाला है। प्रभु इतना दयालु है कि वो हमें ग्लिम्स देता है, जो हो चुका है वो होने वाला है। तो एंटी क्राइस्ट, जो फॉल्स प्रॉफिट क्या करता है, फॉल्स प्रॉफिट की काम क्या है कि हमें या लोगों को वो लोगों को वो कहां ले जाएगा, एंटी क्राइस्ट के, एंटी क्राइस्ट की, राइट,
राइट right. और उसके लिए हमने क्या, हम और भी पढ़ सकते हैं सेकंड थेसलोनिका, उसका दूसरा अध्याय और 9 और 10 पढ़ो। हाँ, तो यहाँ हम अगर अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या लिखा है कि द कमिंग ऑफ द लॉलेस वन, ये जो फॉल्स प्रॉफिट है, विल बी इन अकॉर्डेंस विद द वर्क ऑफ शैतान डिस्प्लेड इन ऑल काइंड ऑफ काउंटरफेट मिरेकल्स। आपने काउंटरफेट का मतलब समझते हैं? काउंटरफेट क्या होता है? खोटी नोट। हाँ, वो दिखने में सच लगता है, राइट, लेकिन वो सच नहीं होता है। तो वो क्या करेगा? काउंटरफेट मिरेकल्स, काउंटरफेट साइंस एंड वंडर्स, राइट। अभी अगर आप लोग 4 बजे मसीह संगत में देखा था, मैंने साइन और वंडर के लिए बताया था, राइट। तो परमेश्वर साइंस और वंडर, मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स करता है, राइट। तो ये लोग भी क्या करेंगे? मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स, लेकिन वो क्या होगा? काउंटरफेट होगा, राइट। तो ये जो 3.5 साल में सबसे बड़ी जो बात करने वाला है वो कौन है? वो है ये दो जो स्वापद की बात कर रहे हैं हम लोग, वो है पहला स्वापद और दूसरा स्वापद। पहला जो है एंटी क्राइस्ट, वो दरिया के किनारे खड़ा है। दूसरा स्वापद जमीन से आएगा, तो और वो सब लोगों को फोर्स करेगा कि एंटी क्राइस्ट की वो सब लोग पूजा करें, राइट। अच्छा, तो जो जो जगत होगा, अभी हमारा जो समय है, हमारे समय में जो क्रिश्चियंस हैं उसको आप कैसे बोल सकते हैं? और क्रिश्चियन की बात जाने दो, अगर आपको आपको जगत के लोगों को समझाना है तो हम कैसे लोग हैं या अभी? ओके, तो सबसे पहले बोले तो हम लोग विश्वास हुए, बिलीवर्स हैं, राइट। या तो बोल सकते हैं वो जेंटाइल है जो परमेश्वर को नहीं मानते, राइट। धर्म की बात जाने दो, लेकिन कई ऐसे हैं जो परमेश्वर में मानेंगे, परमेश्वर नहीं मानते हैं, राइट। और कई ऐसे हैं वो आधे क्रिश्चियन है, हाफ क्रिश्चियन, और कई बैकस्लाइड क्रिश्चियन है, राइट। कई लोग एथियस्ट हैं, कई लोग एग्नास्टिक है। हम मान सकते हैं कि बहुत ही, अगर डिवीजन करें कैसे लोग हैं, तो हम बहुत ही डिवीजन कर सकते हैं, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, बिलीवर, नॉन बिलीवर, हाफ क्रिश्चियन, बैकस्लेडन क्रिश्चियन। संभाई चाहिए तुमने? मारुस, ओके, तो हवे अत्यारना जगत में आपने लोगों, हम अभी लोगों को डिवाइड करें तो बोलेंगे क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, हाफ क्रिश्चियन, बैकस्लाइड क्रिश्चियन, बिलीवर्स, ट्रू बिलीवर्स, फॉल बिलीवर्स, राइट, एथियस्ट, एग्नास्टिक, बहुत ही कर सकते हैं। लेकिन जो 3.5 साल और जिस जो जो 3.5 साल की बात कर रहे हैं ना, वहां कैसे लोग होंगे? वहां दो ही ग्रुप होंगे। एक ग्रुप होगा वो, क्योंकि
उस टाइम पे भी लोग प्रभु के पास आएंगे, राइट? सो द पीपल हु चूज क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे वो मर जाएंगे, लेकिन वो उसकी छाप नहीं लगे, राइट? और दूसरा ग्रुप क्या होगा, वो एंटी क्राइस्ट, वो फॉल्स प्रॉफिट को मान के एंटी क्राइस्ट की छाप लेंगे और उसकी भक्ति करेंगे, राइट? सो अभी हमारे पास बहुत ही डिविजन है, लेकिन 3.5 साल में सिर्फ दो ही ग्रुप होंगे वहां, ना तो हिंदू होगा ना तो मुस्लिम होगा, कोई भी नहीं होगा, नहीं तो बिलीवर होगा, नहीं तो नॉमिनल क्रिश्चियन, कुछ नहीं होगा, दो ही ग्रुप होंगे, एक जो प्रभु यीशु को मानेंगे और एक है जो एंटी क्राइस्ट को मानेंगे, राइट? और जो मूर्ति है वो जो जिसने प्रभु यीशु को माना है, एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं ली है, उसको वो क्या करेगा, वो चुन चुन के, वो मूर्ति है एंटी क्राइस्ट की, वो बोलेगी कि फलाने शहर में ये है, वो उसने एंटी क्राइस्ट का छाप नहीं लिया है, उसे मार डालो। अब समझे कि नहीं? दो ही ग्रुप होंगे, एब्सोल्युटली। हाँ, એટલે હું અહીંયા મારા 10 ને 2 થઈ ગઈ છે, એટલે 1 કલાક મારો પૂરો થયો છે, આવતી વખતે આની ઉપર આપણે વધારે જઈશું, કારણ કે આ સમજવું 3.5 વર્ષ બહુ અગત્યના છે, પહેલાં